कृष्णानगर समता फाउंडेशन ने हाथरस दोषी अधिकारियों के विरुद्ध में काली पट्टी निकाल कर विरोध जताया, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि आज कृष्णानगर बिजलीघर से समता समाज फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांध कर और काली तख्तियों पर हाथरस की बेटी में लीपापोती करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर समता समाज फाउंडेशन ने विरोध व्यक्त करते हुए काली पट्टी बांध कर देश के मुख्य रास्तों से होते हुए जिलाधिकारी मुख्यालय पर डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथरस के जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और दलित की बेटी को न्याय मिल सके। ये आप विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं और काली पट्टी का विरोध का क्या है इसका मतलब? आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की आबरू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश को सरकार नहीं गुंडे चला रहे हैं। गाली तेरे देश में सत्ता में गुंडे बैठे अपराधियों के देश में बिना मांगे मोती मिल रहे हैं। सीबीआई पहले ही सारे मुकदमे आप देख चुके हो, सीबीआई से कोई मुकदमा नहीं, हमें विश्वास नहीं है सीबीआई पर, और बगैर मांगे हमें सीबीआई की जांच मिली है। सीबीआई से सीबीआई केंद्र का तोता है, इससे कुछ नहीं होता है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हाथरस में जिस बेटी की हत्या हुई है